बाकी तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मेरी और इसकी बराबर करवा दो। मैं भी तो सारी जिंदगी से काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, तो हम दोनों की बराबर करवा दो, देखते कैसे। देखिए जी, उनकी इनकम राहुल गांधी जी के बराबर करने की या होने की बात तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पूरे शहर में और लोगों में ये अटकलें ज़रूर है कि उनके परिवार की इनकम शायद राहुल गांधी जी से भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन अगर कहीं पर भी किसी ने अंदर या बाहर वाले ने कोई गलत काम किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ती नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। मैं कहूंगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाजपा किसी भी गलत करने वाले को, भ्रष्टाचार करने वाले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, विपक्ष में नहीं छोड़ती है और अपने अंदर उसे सम्मिलित कर लेती है और उसके बाद उसके सारे पाप धो देती है और उनको अपना एक लीडर बनाकर आगे साथ चल देती है। जो कुछ इसने पिछले राज में किया था ना, इसको उसी दिन उठा के अंदर कर देना चाहिए था, और अगर कर देते ना फिर इसको पता लगता कि कितनी सफल और पावरफुल सरकार है। देखिए उन्होंने कहा है कि उनको अंदर डाल देते तो पता चलता कि वो कितने पावरफुल हैं। हम ये कहेंगे कि 10 साल अनिल विज जी तो पूरे पावरफुल रहे हैं, तो उन्होंने डाला क्यों नहीं, तो इससे एक ही बात साबित होती कि या तो अनिल विज जी पावरफुल नहीं थे या भूपेंद्र हुड्डा जी किसी भी तरह से कसूरवार नहीं थे। और हम यही कहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 2 टर्म्स यहाँ पर लोगों का जो है नेतृत्व किया, प्यार पाया, समर्थन पाया, और अभी आने वाली आगामी सरकार भी उन्हीं की होगी। और कहीं ना कहीं इस बात से विचलित होकर भाजपा और भाजपा के नेता इस तरह की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं जिनका कोई जनाधार, कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है और ना ही इनकी किसी भी तरह से पब्लिक में रिसेप्टिविटी है।